बाउंड्री है ना बहुत अट्रैक्टिव है, व्हाइट कलर पे दिया हुआ है ना, तो बहुत सारा व्यूवर्स जो है ना उसको अट्रैक्ट करता है ये चीज़। तो ये रहा गाइस वो व्यू पॉइंट, एंड वहाँ से जो है ना हम लोगों का व्यू दिखता है। वैलेंटाइन डे मना रहे हो क्या? वैलेंटाइन डे नहीं, ये पहाड़ों के साथ चारों तरफ पूरा पहाड़ पहाड़ ही पहाड़, और हमें तो इस पहाड़ों से प्यार है। सो हे गाइस कैसे हो, एंड फिर से स्वागत है एक और न्यू मस्सी व्लॉग पे। तो आज बाइक का रिव्यू नहीं देंगे, यहाँ पे एक छोटा सा व्यू पॉइंट है गाइस उसको एक्सप्लोर करेंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो शूट करने के बाद सीधा कॉलेज पे जाऊंगा, क्लास है अपना, एंड वीडियो भी तो चाहिए ना आप लोगों के लिए, उसके लिए मेहनत चल रहा है अपना। एंड बहुत ही जल्द गाइस आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, एंड गेस करो कि क्या होगा वो खुशखबरी, लेकिन एक खुशखबरी देने वाला हूँ आपको बहुत ही जल्द। भाई साहब आगे से धूप दे रहा है तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में इशू रहने वाला है, बाकी पल्सर के साथ अलग ही मज़ा है। ऐसे 40-45 का स्पीड में बाइक चलाते हो ना तो बहुत अच्छा माइलेज देता है ये गाड़ी, थोड़ा रफ चलाओगे तो माइलेज बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। यह है न्यू हाफलुंग रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता, यहाँ से जाता है, एंड यहाँ से जो बोराइल का व्यू दिख रहा है ना गजब है पूरा अल्टीमेट। सोच रहा था कि सुबह को निकलूँगा, लेकिन सुबह जो है ना थोड़ा बहुत बारिश दे रहा था, तो अपन बारिश में नहीं निकलते हैं। GoPro का वाटरप्रूफ केस अभी तक नहीं लिया है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ बिना वाटरप्रूफ केस का भी ये कैमरा जो है ना वो वाटरप्रूफ है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा बहुत तो डर रहता है मन में, इन केस अगर कुछ ख़राब हो गया तो कहाँ से बनाएंगे यार, हम मिडिल क्लास लोग ना एक बार एफोर्ड कर सकते हैं सब, बार बार नहीं। यहाँ से पूरा खाई यार, एंड ये एक नया व्यू पॉइंट है, शायद इसका ओपनिंग आज है, रानी कोइदलो व्यू पॉइंट। अच्छा रानी गोइदलो को वहाँ पे स्टैचू भी बनाया था न्यू हाफलुंग जाने के रास्ते पे। बाकी कंस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा चल रहा है हाफलुंग के अंदर यार, बाकी ऑफ रोड में भी पल्सर की तो बात ही अलग है। यहाँ से दिख रहा है हाफलुंग कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट्स, तो इसके बगल पे ही है वो वाला व्यू पॉइंट जिसका मैं बात कर रहा था। तो आपको लेना है राइट वाला रास्ता, लेफ्ट वाला नहीं, लेफ्ट वाला जो है ना वो कोर्ट को जाता है, एंड राइट वाला जो है ना वो सीधा व्यू पॉइंट को जाता है, ठीक है। गजब रास्ता है यार, एंड अभी सनलाइट पीछे से दे रहा है तो क्वालिटी अभी अच्छा आ रहा है। तो देखो मेरे साथ आए हैं विष्णु दा अपने स्कूटर पे वीगो, एंड इसका भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, एंड सोचा नहीं था कि इस गाड़ी में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस व्यू पॉइंट का खासियत ये है कि यहाँ से जो हाफलुंग टाउन है ना वो दिखता है, तो गजब है। सुबह बारिश दिया था तो आज का टाइम जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा धूप जो है ना वो देने लगा है तो प्रॉब्लम रहता है धूप में। आजकल का धूप तो पता है ना आपको कैसा है, जून जुलाई टाइप का धूप है यहाँ पे। ये वाला जो बाउंड्री है ना बहुत अट्रैक्टिव है, वाइट कलर पे दिया हुआ है ना तो बहुत सारा व्यूवर्स जो है ना उसको अट्रैक्ट करता है ये चीज़, एंड देख के भी अच्छा लगता है। अच्छा गाड़ी को यहाँ पे रखते, चलो सेफ पार्किंग। तो ये रहा गाइस वो व्यू पॉइंट, एंड वहाँ से जो है ना हाफलुंग का व्यू दिखता है, जो माधव टिल्ला वाला रूट है ना वो दिखता है वहाँ पे। ये वाला जो बेड़ा दिख रहा है ना आपको बहुत ही अच्छा यार, हमारे भाषा में तो इसे बेड़ा कहते, आपके भाषा में क्या कहते बोलो मुझे। एंड यहाँ से झटिंगा का रोड जो है ना वो दिखता है, मैं वहाँ पे गया था बाइक लेके, टोटल ऑफ रोड है, एंड वहाँ पे पुराना वाला जो MG रेल लाइन है ना वो है वहाँ पे, अभी तो बंद हो चुका है। पहले वाला जो रेलवे लाइन था ना हाफलुंग पे, वो वाला रूट जो है ना वो वहाँ से जाता था, एंड दोनों पहाड़ के बीचों बीच वो रेलवे ट्रैक है, देखो दोनों पहाड़ के बीचों बीच, उसके थोड़े नीचे वो झटिंगा रिवर है शायद, हाँ झटिंगा रिवर है उसके नीचे, एंड दोनों पहाड़ के बीचों बीच रास्ता है रेल लाइन, एंड झटिंगा स्टेशन शायद वो है यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ देखो गाइस कुछ इस प्रकार का जगह है, एंड आप यहाँ पे आके बहुत पीस फील कर सकते हो, एंड बहुत शांति है, एंड पिकनिक या सब खाने के लिए आ सकते हो। ये देखो यहाँ से बोराइल दिख रहा है, ठीक है, आसाम का सबसे ऊँचा पर्वत, एंड विष्णुदा का गाड़ी भी यहाँ पे है, वो विष्णुदा फूल के साथ आ रहे हैं। वैलेंटाइन डे मना रहे हो क्या? वैलेंटाइन डे नहीं, ये पहाड़ों के साथ, पहाड़ों को मैं गिफ्ट करने वाला हूँ फूल, जैसे पहाड़ों के कितना सुंदर है, इसको मैं शॉर्ट बनाऊंगा। तो इनका भी इंस्टाग्राम में भी वो है ना आपका क्या बोलते हैं ना अकाउंट है ना, इंस्टाग्राम के लिए मैं बना रहा हूँ, बहुत सारे रील बनाते हैं, एंड बहुत अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता है, चेकआउट कर लो। इनके इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना वो जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाइए थोड़ा बहुत रील्स लवर जाके थोड़ा बहुत प्यार बांटिए, क्या बताएं। और यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, कुछ बताओ इस जगह के बारे में। चारों तरफ पूरा पहाड़ पहाड़ ही पहाड़, और हमें तो इस पहाड़ों से प्यार है,
इधर भी जाए पहाड़ी पहाड़, बहुत अच्छा लगता है हमें इस पहाड़ों के पास आके ऐसा वक्त गुजारना। मैं तो यहाँ पे एक बार जब फॉग गिरता है ना पूरा बादल नीचे आ जाता है तो वो टाइम में बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो व्यू। अभी फ़िलहाल तो पूरा क्लियर है, आसमान साफ दिख रहा है एंड आज का मौसम भी ठीक ठाक है ना, सुबह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे देखो फेम्पू चार्ज दिखा दिया, दिखा दिया टॉप पे वो चार्ज, बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी जाओ वो चार्ज दिखाई देता है। यहाँ से उतना अच्छे से नहीं दिखता, उसके लिए डीएसएलआर चाहिए। तो फिर भी हमारे पास ये कैमरा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड अगर आप हाफलोंग से नासाम से बिलोंग्स करते हो तो आगे घूमो, अच्छा जगह है, वही बताना था आपको। एंड मौसम आज का बहुत ही अच्छा है एंड सुबह बारिश गिरा था उसकी वजह से ग्रीनरी ना बहुत अच्छा दिख रहा है। तो भाई साहब अभी यहाँ से जाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना हो चुका है एंड सीट की हालत तो मत बोलो यार, इतना ज़्यादा गर्म हो गया ना सीट की, क्या बताओ आपको। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर की तरफ, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। एंड आगे चल रहा है अपना बिस्नुदा। तो आज की वीडियो बस इतना ही गाइस, एंड अच्छा लगे तो कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो चले गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एक मस्त वीडियो पर।